हाय फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर भरत। आपका हमारे यूट्यूब चैनल आपका हेल्थ गुरु में स्वागत है। क्या आपका लेग घुटने में से पूरी तरीके से सीधा नहीं होता है, घुटने के नीचे थोड़ी सी जगह बनी हुई रहती है? तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। नी पूरी तरीके से सीधा क्यों नहीं होता है, आपके घुटने के नीचे जगह क्यों रहती है, इनके होने के बहुत सारे रीजंस होते हैं, पर सबसे बड़ा रीजन होता है नी ऑस्टियोआर्थराइटिस। अगर आपके घुटने में आर्थराइटिस की असर हुई है तो इनकी वजह से फिर आपका लेग सीधा नहीं होता है, धीरे धीरे बेंड होना शुरू हो जाता है। इनके बाद का सबसे बड़ा रीजन होता है सर्जरी। अगर टोटल नी रिप्लेसमेंट करवाए या तो फिर कोई लिगामेंट में इंजरी हुई है, इनका रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी करवाए, तो इनके बाद हमारे थाई के अंदर के जो मसल्स होते हैं जिनको VMO बोला जाता है, वह वीक होना शुरू हो जाता है और यही मसल हमारे लेग को सीधा रखने का काम करता है, वह लास्ट डिग्री एक्सटेंड करने का काम करता है। अगर यह मसल वीक हो जाता है फिर हमारा लेग घुटने में से धीरे धीरे बेंड होना शुरू हो जाता है। तो इस वीडियो में आपको मैं जो एक्सरसाइज सिखाने वाला हूँ, यह सभी एक्सरसाइज को अगर आप नियमित करते हो तो फिर आपका लेग घुटने में से धीरे धीरे सीधा होना शुरू हो जाएगा। तो यह सभी एक्सरसाइज को डिटेल में जान लेते हैं। यहाँ पर हमारा नी इस तरीके से बेंड हो गया, तो यहाँ पर हमें दो चीज करनी है। जो अंदर का मसल है जिनको VMO बोला जाता है उनको स्ट्रॉन्ग बनाना है और जॉइंट में जो स्टिफनेस आई है उनको दूर करके हमारे लेग को सीधा करना है। यहाँ पर हमारे लेफ्ट नी में इफेक्ट हुए वैसा सोच के सभी एक्सरसाइज करनी है, पर अगर आपको दोनों पैर में यह नी आपका बेंड हुआ है तो सभी एक्सरसाइज आपको दोनों लेग के लिए करनी है। यहाँ पर कुल हमें 6 एक्सरसाइज करनी है। तो यह सभी एक्सरसाइज को डिटेल में जान लेते हैं। इनको करने के लिए आपको इस तरीके से दोनों पैर को सीधा रख के बैठ जाना है, पीछे हाथ का सपोर्ट लेना है। सभी एक्सरसाइज आप लेट के भी कर सकते हो, पर अगर आप आगे की 4 एक्सरसाइज सीधा बैठ के करोगे तो ज्यादा इफेक्ट आएगी। पहली एक्सरसाइज करने के लिए आपको हमारा जो लेग अफेक्ट हुआ है उनको इस तरीके से दूसरे लेग के ऊपर रख देना है, फिर पंजे को खींचना है और घुटने को दबाना है। यहां पर आपका जो नी है वह हवा में रहना चाहिए, फिर नी को दबाइए, 10 काउंट होल्ड, इनके बाद छोड़ देना है, वापस से पंजे को खींचिए, नी को अच्छी तरीके से नीचे दबाना है, 10 काउंट होल्ड, फिर छोड़ देना है। इनके बाद की दूसरी एक्सरसाइज करने के लिए हमें इस तरीके का राउंड पिलो का इस्तेमाल करना है। अगर ये राउंड पिलो आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप टॉवेल को रोल करके भी यह एक्सरसाइज कर सकते हो। यह पिलो को हमारे हील के नीचे रख देना है। यहाँ पर आपका जो नी है वह हवा में रहना चाहिए, फिर इनके बाद इस तरीके से एक आपको सैंड बैग लेनी है। यहाँ पर मैं 1.5 किलो की सैंड बैग ले रहा हूँ, आप शुरुआत में 1 किलो से भी स्टार्ट कर सकते हो। अगर यह सैंड बैग आपके पास नहीं तो घर में कोई भी वेट हो इनका इस्तेमाल करके भी यह एक्सरसाइज कर सकते हो। घुटने के ऊपर थाई के ऊपर हमें यह वजन को रख देना है, नी के ऊपर वजन को नहीं रखना है, वह खास ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर होगा क्या, वजन और ग्रेविटी की वजह से हमारा जो लेग बेंड हुआ है वह धीरे धीरे सीधा होना शुरू हो जाता है। शुरुआत में आप 30 सेकंड के लिए रखिए, फिर धीरे धीरे यह टाइम ड्यूरेशन आप बढ़ा सकते हो। तो यह हो गई हमारी दूसरी एक्सरसाइज। इनके बाद की थर्ड एक्सरसाइज के लिए भी हमें यही पोजिशन लेनी है, पिलो को हील के नीचे रख देना है, इनके बाद फिर पंजे को खींचना है और नी को नीचे दबाना है, अच्छी तरीके से दबाना है, 10 काउंट होल्ड करना है, फिर छोड़ देना है, रिलैक्स करिए, वापस से पंजे को खींचिए, घुटने को दबाइए, 10 काउंट होल्ड, इनके बाद छोड़ देना है। इस तरीके से हमें 10 रिपीटेशन करना है। इनके बाद की फोर्थ एक्सरसाइज के लिए हमें इस तरीके से पिलो को नी के नीचे रख देना है, इनके बाद फिर पंजे को खींचना है, नी को टाइट करके लेग को इस तरीके से एक्सटेंड करना है। यह एक्सरसाइज को लास्ट डिग्री एक्सटेंशन भी बोला जाता है। यहाँ पर आके 10 काउंट होल्ड करना है, इनके बाद छोड़ देना है। शुरुआत में आपका लेग इस तरीके से बेंड होगा तो आपको बड़ा पिलो लेके यह एक्सरसाइज करनी है, फिर धीरे धीरे आपका लेग जैसे जैसे सीधा होता जाए वैसे वैसे आपको यह पिलो की साइज कम करते जाना है। तो इस तरीके से पंजे को खींचना है, फिर हील को ऊपर उठाना है और पूरे लेग को सीधा करना है, 10 काउंट होल्ड, इनके बाद छोड़ देना है। तो ये हो गई हमारी फोर्थ एक्सरसाइज। इनके बाद की पांचवी एक्सरसाइज करने के लिए आपको सीधा लेट जाना है, फिर जो हमारा अच्छा लेग है उनको बेंड कर देना है, इनके बाद फिर यह वाले लेग को सीधा रखना है, पंजे को खींचना है, नी को टाइट करना है और लेग को बाहर की साइड थोड़ा सा यानी कि 45 डिग्री घुमाना है, इनके बाद फिर लेग को ऊपर उठाना है, इतना ऊपर उठाना है जो हमारा
नीको हमने लेको बैंड किया है उनके लेवल में यह लेको लाना है। यहाँ पर आके आपको 10 काउंट होल्ड करना है, इनके बाद नीचे लाना है। यह एक्सरसाइज करके आप अपने थाई के जो अंदर के मसल है यानी कि VMO मसल को स्ट्रॉन्ग बना सकते हो। पंजे को खींचिए, नी को टाइट करना है और थोड़ा सा बाहर लेग को घुमाना है, फिर ऊपर लाइए, यहाँ पर आके 10 काउंट होल्ड करिए, फिर छोड़ देना है। इस तरीके से हमें 10 रिपीटेशन करना है। तो यह हो गई हमारी 5th एक्सरसाइज। इनके बाद की 6th और आखिरी एक्सरसाइज के लिए हमें उल्टा लेट जाना है। यहाँ पर हम यह एक्सरसाइज राइट नी पर आपको बता रहे हैं, फुट को इस तरीके से बेंड करके सीधा कर देना है, पूरा वेट आपके पंजे के ऊपर लेना है। इनके बाद जो हमारा नी नीचे है उनको इस तरीके से ऊपर उठाना है, लेग को पूरा सीधा करना है, पूरा वेट आपके पंजे के ऊपर और हिप के ऊपर होना चाहिए। यहाँ पर आपका हिप ऊपर नहीं उठना चाहिए, वह खास ध्यान में रखना है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि नी आपका ऊपर है, मेरा हाथ नीचे जा रहा है। इस तरीके से आपको ऊपर ला के 10 काउंट होल्ड करना है, इनके बाद फिर नीचे लाना है। वापस से पंजे को दबा के नी को ऊपर उठाइए, 10 काउंट होल्ड करिए, इनके बाद फिर नीचे लाइए। इस तरीके से हमें 10 रिपीटेशन करना है। तो यह सभी एक्सरसाइज को वापस से रिकैप कर लेते हैं। शुरुआत की 4 एक्सरसाइज के लिए हमें सीधा बैठ जाना है। इनके बाद पहली एक्सरसाइज में हमें लेग को क्रॉस कर देना है, पंजे को खींचना है, नी को दबाना है, 10 काउंट होल्ड, फिर छोड़ देना है। दूसरी एक्सरसाइज के लिए इस तरीके से पिलो का इस्तेमाल करना है, के बाद फिर थाई के ऊपर वेट को रख देना है। तीसरी एक्सरसाइज में हमें पिलो को हील के नीचे रखना है, पंजे को खींचना है और नी को दबाना है, 10 काउंट होल्ड, फिर छोड़ देना है। इनके बाद की 4th एक्सरसाइज के लिए पिलो को नी के नीचे रखना है, फिर पंजे को खींचना है, नी को टाइट करिए और हील को ऊपर उठाइए, लास्ट डिग्री एक्सटेंशन करना है। 5वीं एक्सरसाइज के लिए हमें सीधा लेट जाना है, के बाद एक लेग को बेंड करना है, यह वाले लेग को सीधा करना है, पंजा खींचिए, नी को टाइट करिए, फिर 45 डिग्री बाहर घुमाना है, फिर लेग को ऊपर उठाना है, यह वाले लेग के लेवल में लाना है, 10 काउंट होल्ड, फिर छोड़ देना है। 6th एक्सरसाइज के लिए हमें उल्टा लेट जाना है, फिर फुट को सीधा करना है, पंजे के ऊपर वेट लेना है, फिर बीच में से हमारे नी को इस तरीके से ऊपर उठाना है, 10 काउंट होल्ड, फिर छोड़ देना है। तो इस तरीके से हमें यह 6 एक्सरसाइज करनी है। तो यहाँ पर आपको मैंने जो एक्सरसाइज सिखाई है, सभी एक्सरसाइज को अगर आप नियमित करते हो तो आपका लेग घुटने में से धीरे धीरे सीधा होना शुरू हो जाएगा, घुटने के नीचे जो जगह हो रही है वह भी कम होने लगेगी। तो आशा रखता हूं कि आपको हमारी इंफॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो यह वीडियो को लाइक जरूर करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए ताकि सभी को हेल्प मिल पाए। और ऐसी अच्छी इंफॉर्मेशन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।